नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हमारे यहाँ का मौसम इतना अच्छा हुआ है, देखिए पूरा बारिश और पूरा हवा इतनी अच्छी चल रही है, दिल खुश हो गया। आज इतने दिन में आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा मौसम हुआ है मेरा। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, ऐसे जा रही हूँ शाम के टाइम में, आज थोड़ा अच्छा मौसम है तो घूम के आती हूँ। अभी बुला आ जल्दी, आ रहा है मेरा भतीजा। आ जाओ, हाँ बोल रहा है थोड़ा तैयार हो के आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा, आज जाएंगे। अभी हम लोग ज्ञानपुर थोड़ा चल के थोड़ा शॉपिंग वगैरह करके आते, फिर कल चलूँगी। मेरे को मेन काम है, कल मुझे बैंक जाना है और थोड़ा और बहुत सारा काम है, कल मेरा करवा देना ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। लगता है वो जियो का रिचार्ज बढ़ गया, इसके लिए हमारी बुआ जी सोच रही है कि पूरा पैसा निकाल के पहले सब मोबाइल जो है पहले वही रिचार्ज कर दें। अब दोस्तों ये रिचार्ज बढ़ने की वजह से बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि 25% रिचार्ज सीधा इंक्रीज होगा, जो 666 का हो रहा था वो 799 में हो रहा है। बताइए खर्च तो हमारे मतलब खर्च बढ़ते जा रहे हैं, इनकम बढ़ा ही नहीं है। अब हमारी बुआ कहाँ से इतना पैसा लाएंगी बताइए, अभी हमारा एक साल का रिचार्ज इनको करना है। बस इसीलिए बड़ी टेंशन हो रही थी। हाँ अब कचौड़ी भी असर नहीं कर रहा है, क्योंकि रिचार्ज बढ़ने की वजह से बड़ा टेंशन हो गया। इधर बैठो पहले, नीचे बैठ के बात करते हैं। आज कुछ हो जाए हाँ तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर, हमारी बुआ जी को थोड़े पैसे मिलते हैं जिससे हमारे रिचार्ज हो जाते हैं ज़्यादा। बिना बिले मैं करा दूंगी रिचार्ज, चलते बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी। अब बुआ जी हमारे रिचार्ज के ये सुन के बड़ा खुशी हो रही है। फिर तेरहवीं की पूरी है दोस्तों, गाँव में ही है वो, अशोक क्या नाम है, बाबू ललन दुबे के यहाँ के मरा उनके यहाँ उनकी माता जी एक्सपायर कर गई हैं, तो आज फिर पूरी है। तो जब हम ब्लॉग पे आएंगे उस दिन डेली पूरी ही रहेगा, बिना पूरी के हम आने वाले हैं नहीं ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से भी फिर से गुजारिश है, वैसे अब मौसम भी ठंडा हो गया है, अब ऐसा नहीं है कि गर्मी है, जाने की कोई संभावना नहीं है ठीक है। बारिश अच्छा हो रहा है, बारिश में कड़ुआ खाने का मजा ही अलग होता है दोस्तों, इसलिए आप भी मुस्कुराइए, आइए और दबा के खाइए। और चलो ज्ञानपुर, चलो जल्दी गाड़ी लेके आओ। अच्छा अभी ज्ञानपुर क्या रही है, चलिए छोला फुल्की ये सब खा के, क्योंकि बुआ जी लगता है आज बहुत बड़ी प्रसन्न है हमारी। हाँ। तो आज जा रहे हैं हम लोग दोस्तों छोला फुल्की ये सब खा के आएंगे, फिर पूरी खाने जाएंगे, नहीं पूरी नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं इतना दिन हो गया अभी तक मैं मार्केट नहीं गई हूँ, जबकि मैं डेली मार्केट जाती हूँ, पूछो इससे, गर्मी की वजह से नहीं जा रही हूँ। आज दो दिन से इसका वेट कर रही हूँ, पता नहीं कौन सी दुनिया में इसको दिख नहीं रहा है। ऐसा है कि गर्मी की वजह से आदमी मतलब गोरे से काले हो जा रहे हैं, काला कोई दिखता नहीं है अंधेरे में, तो इसके लिए दोस्तों दिख नहीं पा रहे हैं। आज थोड़ा सा मौसम सही है इसलिए बाहर निकले हैं, आप मौसम देखेंगे बहुत लाजवाब आज मौसम है, इसलिए हम बाहर निकले तब जाके हम बुआ जी को दिखे हैं। इसलिए आज ये भी प्लान बनाई है कि चलेंगे आज मार्केट, हम लोग घूम के आएंगे खा पी के मौज करके ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं ज्ञानपुर मार्केट छोला फुल्की ये सब खाने के लिए, क्योंकि मौसम उसी टाइप का है, तो इसीलिए मुस्कुराइए, आप भी खाइए, और अगर खाना चाहें तो आप आइए यहाँ पे, खाने के साथ साथ तरेवी की पूड़ी खाने का भी मौका आपको जरूर मिलेगा। वहाँ चलेंगे जहाँ मेरा फेवरेट दुकान है वो वाला। तो चलिए भैया बहुत सारी जगह जाना है, तो एक जगह तो फिक्स है नहीं कि एक ही दुकान हमारे बुआ जी का हो, क्योंकि बहुत सारे इनको लेने भी होते हैं, जो कान में देख रहे हैं ये सब भी बहुत सारे लेने होते हैं, गोल्डन चीज़ें भी खाने के साथ साथ। आज गोल्डन नहीं लोगे, गोल्डन कल लूंगी। अच्छा गोल्डन में लगता है अभी टाइम है, तो सिर्फ खा पी के मौज मस्ती करके घूम टहर के हम लोग चले आएंगे। तो इसलिए दोस्तों बस और बुआ जी आप कुछ कहिए और बता, जाओ गाड़ी लेके आओ बस, चलो नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो बस दोस्तों हम लोग निकल रहे हैं, तो इसकी वजह से बस यहीं पे आई थिंक हमें अपने शब्दों को विराम देना चाहिए, जल्द से जल्द हम जा रहे हैं, उसके बाद घूम के आ रहे हैं। तो आप बस वापस बतियाने लगता हूँ, आप जाने लगा क्या 150 क्या दे रहे हैं के हाउ तरह में बैलेंस नहीं बा तोरे फोन इतना होता। ऐसा है बैलेंस रहने पे तो सभी के मोबाइल में कॉल और मैसेज आते हैं, महान वही हैं जिनके बिना बैलेंस रहने के बाद कॉल और मैसेज आ रहे हैं ठीक है। सही बात है, बिन देखे जिनको आप बिना जिनके में बैलेंस है उनके में इतना फोन नहीं आता जितना इसके में बिना बैलेंस के आता है। देखिए याद करने वाले हैं ये लोगों की कृपा दृष्टि, और मुझे पता है कौन याद करता है, गौरव कोई नहीं कि जो मानते हैं भैया दिल से मानते हैं तो इसलिए वो याद करते हैं, नहीं तो जब बैलेंस खत्म होता है कहते हैं ना विपत्ति में ही लोगों का पता चलता है, जिसे बैलेंस नहीं है तो इसे विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ है ठीक है, उसी वक्त पता चलता है कि कौन कौन आपको याद कर लेता है। वो मुझे ताना सुना रहा है और किसी को नहीं बोल रहा। अब भाई कभी याद नहीं करती तो क्या करेंगे बताइए। अच्छा चला था रिचार्ज कराई दी, चला रिचार्ज के लिए हमें कह रही है 500 रुपए कैश देंगे, ये सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ हमारे अकाउंट में जो हमारा मोबाइल नंबर उसी में ट्रांसफर मार देंगी। नहीं मैं ट्रांसफर नहीं मारती हूँ मैं। अच्छा कैश देंगी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैश भी थोड़ा डाउट लगता है।
एक हमें बात नहीं समझ में आ रहा, ये हमारा रिचार्ज करेंगे कैसे, कैश देंगे नहीं, रिचार्ज हमारा मानेंगे नहीं। हाँ तो ये थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, इसलिए ये आप कमेंट बॉक्स में इनसे ज़रूर पूछें कि जब आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, कैश नहीं देंगी, तो आप हमारा रिचार्ज करेंगी कैसे, बस यही चीज़ आप इनसे ज़रूर पूछें। हाँ हमें भी अच्छा। ये नया चीज़ ऐसा क्या आ गया कि जिससे ना कैश भी नहीं रहे, ऑनलाइन भी नहीं रहे और रिचार्ज भी हो जाए। हाँ तो ये नया ट्रिक हम भी ज़रूर सीखना चाहेंगे, इसलिए आप इन सब लोग कोशिश यही करिए कि आप सब लोग इनसे पूछिए कि आखिर ये कर कैसे रहे, और आप भी वही चीज़ करिए जो हमारी बुआ जी कर रही हो, कि जैसे ये रिचार्ज कर रही है ना ऑनलाइन के ना ऑफलाइन के, ऑनलाइन और ऑफलाइन के आपका रिचार्ज हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन इसे ज़रूर पूछें, और आप लोग पूछेंगे तो ये जवाब जरूर देंगी, हमारी बात का साथ हो सकता है नदी भाई। नहीं आज इसका रिचार्ज करवा देती हूँ, और चल पहले ज्ञानपुर लेके चलो जी। तो चलिए जल्दी तैयार हो, जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं जी, तैयार होके आ रहे हैं। तैयार हो, बस पैंट पहन के आ जाना है, और क्या गाँव मार्केट में जाना है, कौन सा टेंशन है। हाँ खाने से मतलब है, वहाँ पे घूमने थोड़े जा रहे हैं। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, बहुत जल्दी करो, चलो अंधेरा हो जाएगा तो फिर और सब लोग जाएंगे तो हम लोग को गाड़ी नहीं मिलेगा, जल्दी आओ। तो चलिए दोस्तों बने रहिए आप लोग, आज मैं आप लोग को मार्केट दिखाऊंगी अपना शाम के टाइम का। तो चलिए जी फाइनली रेडी हो गए हम लोग, और बस निकल रहे हैं अभी हम लोग थोड़ा घूमने। आज इतना अच्छा मौसम है ना आज, इसलिए मैं इतना दिन पे आज फर्स्ट टाइम मैं घूमने जा रही हूँ, और शायद मिश्रा जी आए होते तब तो रोज ही जाती, दिन में 10 बार जाती मैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती। और मिश्रा जी नहीं है तो शायद इसी की वजह से मैं घर में ही अकेले पड़ी हुई हूँ और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, नहीं तो अभी मिश्रा जी रहते तो लखनऊ बनारस इलाहाबाद कहाँ कहाँ घूमती मैं ना, जीजा रहते तो कहाँ कहाँ घुमाते ना गाड़ी से, तो उन नहीं है तो इसके वजह से मुझे अभी यहाँ पे भी मार्केट जाने को नहीं हो रहा। एक सेकंड रुकिए मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को, एक कांड दिखाती हूँ, पापा खाली काश इसके वीडियो देखेंगे ही। ये देखिए अपने बेटे का देख लीजिए, देखिए क्या कर रहा है। हाँ देखो देखो मैं वीडियो बना रही हूँ, पापा देखेंगे अभी बताएंगे। और ये हमारे यहाँ का ना बहुत पुराना कुआँ है, पता चला मेरा मोबाइल गया तो स्वाहा। हटो वहाँ से, हटो वहाँ से, हटो, क्यों जीने की इच्छा खत्म हो गई बता दो। प्रजू मैं सही बता रही हूँ, पापा देखेंगे अभी वीडियो, चिंता मत करो। तो ये है हमारे यहाँ का बगीचा, तो दंगी पहुँचा दे बना अच्छी से, गिरा उरा मत, ये बहुत अच्छा बाबा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है आप जैसे दोस्तों, जैसे कि हम लोग इस वक्त तिरई का दूसरे का दिखा रहे हो, तो क्या करो हमारे तिरई का कोई कुछ खर्चा करवा सकता हूँ, अभी तो ये पहुँच चुकी है। अगर हमारे
नाम मत लिखिए। बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ अपने मार्केट, और ये सब तो रोड है इधर। ये जिंदगी भर ऐसा ही परमानेंट एड्रेस है ये। छोले वाले हैं, जिनका नाम है पकड़, आज इस पकड़ के पास कर गए हैं, उनके बच्चे हैं। अच्छा, ये लोग ना मुझे झूठ बोले थे कि उनका डेथ हो गया, मुझे नहीं पता था। और मैं जाके बोल भी थी वहाँ पे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, चाचा जी का डेथ हो गया। और उनके बेटे बोल रहे नहीं, उनका जिंदा है। ऐसा गुस्सा लगा था सही में इन लोग के ऊपर की पूछो पर मन करा था मार। अभी और मैं बोली हूँ कि मैं खाऊंगी और तुम गाड़ी अगर बेंड भी गिरेगी तो यही मतलब नाला है बगल में वही। अच्छा, तो नाले की और नाले में अगर मैं गिरी ना तो तू भी सोच लेगा तेरा क्या होगा। फिर क्या होगा? अच्छा, वो तो समय बताएगा क्या होगा, गिरा के दिखा देंगे। जान कर करके देखो कितना खुदा रहा है गाड़ी। दोस्तों ब्लॉग भी बनाना है इसलिए तो थोड़ा बहुत गिराने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर नाम नहीं दे रहे हैं, बैठी हुई हैं। भी हो जाए गिरेंगे तो बिजली हो जाएगी। देखिए गांव तो गांव होता है, गांव की लता कहीं नहीं लगता है हम लोग को, क्या पतंगी गांव तो गांव होता है। जो वो गांव गांव ही होता है, गांव में जो आनंद आता है वो शहर में कभी नहीं। वही तो शहर में वहाँ गाँव के लोग खुशी से और शहर में खुशी नहीं रहते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ लोगों को अपने घर से घर बनाने के लिए धरती दूर कर देती हैं। क्या करेंगे, इसके लिए शहर में जाना होता है। बहुत समझदार हो गया है ये रहने। हमारे साले साहब, हाँ साले साहब, बहुत समझदार हो गया वैसे। और वैसे तो अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है। और जब से मैं हम लोग निकले हैं ना, मेरा कैमरा चालू ही है तो ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरा मार्केट हमारे घर से। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, ये सब नहीं, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा।
लेकिन तो भी आज बंद है, आज संडे है ना, आज ज्वेलरी की दुकान बंद है। ले रही थी तो बोल रहा है कि जितनी बार देखोगे उतनी बार लोगे, ये कौन सा व्यवहार है आपका। अरे हमारे ये हमारी फेवरेट गली है, और मालूम है यहाँ पे जो था ना पहले वो जिससे मैं सूट वगैरह सिलवाती थी वो उधर चला गया ना अभी रिफाइंड को। एक नंबर क्या गजब का स्टिच करता है, और वो अभी भी दूंगी मैं सिलने के लिए। तो आ गए हम लोग अपने मार्केट, अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज की तरफ। पता चला कि मोबाइल लेके चल रहे पूरा बैग वैग सब ऐसी कैसी हो जाए। मेरा डिग्री कॉलेज इधर से करूँ क्या, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करती थी मैं। अंदर चल सकते हैं अभी, जाने देंगे? चलो चल के देख के आते हैं। वाह, मैं यहाँ पे हम लोग पढ़ाई वगैरह रुक के करते थे। थोड़ा अंदर से रुक के दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ पे भी ये क्लासेस वगैरह हैं, अभी तो बहुत ही पुराना हो गया है, पता नहीं अंदर से अभी है कि नहीं, ये चलता है कि नहीं अभी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े। यहाँ बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं और उधर नहीं जाऊँगी। पता नहीं मन क्लास वगैरह चलता है अभी, इसमें अभी नहीं चलता है ना, अब पूरा भूत बंगला हो गया है। वहाँ वहाँ पर मेरा जहाँ पर हम लोग का क्लास था वहाँ चलता होगा ना, वहाँ तो चल ही रहा है अभी। आ चले उधर, शायद कुछ हो रहा है ना, अंदर नहीं जाने देंगे, पता नहीं क्लास वगैरह। अकेले मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे मरने के लिए। हाँ इतना बड़ा है भूत प्रेत, पता चला लेके चल दिया मुझे, अकेले तो हो गया, अकेले मैं नहीं जा रही हूँ। चलो ठीक है आगे चलते हैं, अभी हो गया ये मेरा कॉलेज, आगे से भी एक बार दिखा देती हूँ आप लोग को। बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन शायद अंदर ना जाने दें, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ मेरा क्लासेस था, नहीं गए अंदर, बहुत पतंगी को लेट हो रहा है, बोल रहा है नहीं और नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि रात हो जाएगी तो फिर हम लोग को परेशानी होगी। मैं बोले चल ठीक है। तो हो गया कॉलेज मेरा, ये रहा बोर्ड, हरियानाथ मंदिर पे, मंदिर पे जाने तो बाद में चलेंगे। तो 5 बजे ऐसे जब चलो, जो तुमको खाना है खा लो, और थोड़ा फालूदा आइसक्रीम जो खाना है तुमको, छोला पानी पूरी जो फालूदा खाएगा पहले, पानी पूरी उड़ी खा ले फिर खा, फिर आना पड़ेगा क्या? अच्छा चलो ठीक है, पहले खा लो तुमको जो खाना है, खा लो फिर। यहाँ पे फालूदा पी रहा है, और 500 का चेंज नहीं है इनके पास देने के लिए, अभी ये काम परेशान कह रहा है ना, खा रहा है चोला यहाँ पे, और चेंज किसी के पास है नहीं 500 का, और मैं तो पहचानती नहीं हूँ इसको, ये है कौन, और पतंग चलेगा अपना, बर्तन धुलने को मिलेगा ना यहाँ पे, बर्तन धुलने आता है देखो, तो किसी को जाता है, बर्तन धुलने में पतंग के पास बर्तन बहुत ज़्यादा होगा, कुछ नहीं है पहले पेट पूजा काम दिया, वही तो। तो हमारी शॉपिंग वगैरह तो हो गई है, अभी पतंगे की शॉपिंग चल ही रही है, अभी तो उसको बोला है थोड़ा आइसक्रीम वगैरह पार्सल ले ले, तो आइसक्रीम वगैरह ले रहा पार्सल में, बोलो कुछ मैं पहचानती नहीं हूँ, उसके बाद में तो अपना देख लेना, बोलता है ठीक है एक झुमका तो है इसमें।
और ये हमारे यहाँ का मार्केट है। और चलिए, इतना गर्मी लग रहा है कि अभी इतना देर तक तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अभी गर्मी चालू हो गई है। पतंगी बहुत गर्मी लग रहा था यार, अब जल्दी करो। तो जो था मैं चलते हेलो दोस्तों, ये देखिए कुल्फी खाते हुए ये हमारी बुआ जी हैं। जहाँ देखो वहाँ पे बर्तन मांजने का नाम ले रही हैं। एक तो फुफा जी को ऐसे ही घर पे छोड़ के आई हैं, वो बेचारे वहाँ पे बर्तन मांज रहे होंगे, देख के बहुत गुस्सा कर रहे होंगे। जहाँ देखो यहाँ उनको छोड़ के आए, वो चाहे खाना बना भी रहे, बर्तन मांज भी रहे होंगे। और यहाँ पे हमारा नंबर है भाई कि इनके पास जो नोट है उसका छुट्टा नहीं मिल रहा, वो हेरा फेरी की तरह छुक मार के दो, तो पैसा हमारा जा रहा है दोस्तों। हाँ, ये क्योंकि हम पैसा तो देते जा रहे हैं और पैसा हमारा बढ़ता जा रहा है, इनका 500 का छुट्टा नहीं मिल रहा। देखते हैं क्या होता है, कहाँ बर्तन मांज रहे हैं, 500 कैश मिलता है नहीं। मेरा खर्चा नहीं करवाना चाहते ना वो लोग, इसलिए इसमें तो अपना रिचार्ज कर लिए तो जिनके रिचार्ज के भरोसे बैठे। तो झूठ बोल रहा है दोस्तों, मैंने करा लिया, ये खुद ही जाकर छुट्टा लेके आया, ये जीने देगा मुझे? छुट्टा भी आ गया है और खर्चा भी हो गया है पूरा। चलो ठीक है, जल्दी कर लो पार्सल, लो चले। मैं इसको बोल रही हूँ अगर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जल्दी खा रहे हैं कि नहीं, नहीं तो मैं जा रही हूँ ऊपर। दोस्तों देखो, अभी तक इनको ब्लॉक बनाना था तो इनको गर्मी नहीं लगी थी, अब मौसम ठंडा भी हो गया, शाम भी हो गया, अब इनको ठंडी लग रही, गर्मी लग रही है, कह रहे जल्दी खाना खाना फेंको और चलो हमें घर चलना है। हाँ, बिना ऐसी कह रह नहीं पाती, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, तुमको कुल्फी भी नहीं खाने दे रही है, ये तो हो गया है। अभी हो गया मेरा शॉपिंग वगैरह हो गया है, अब मेरा काम खत्म हो गया, अब चले को चला रहा है फेंको। दोस्तों ये आपके सामने देखिए फेंक रहे हैं, लेकिन फेंके नहीं, फेंकना मत, खा लो। कोई नहीं फेंके, गेट पे हमको पता था कहेंगी नहीं, क्योंकि इनका पैसा लगा है उसमें। हाँ, वो भी नहीं जीने दूंगी मैं अगर फेंक दिया तो, ऐसा ना फेंकने बाद उठा को वापस खाना पड़े, इसलिए मैंने उसको फेंका नहीं। दोस्तों खा रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, ब्लॉग बनाने में बिजी हैं, हम पेट भरने में बिजी हैं। बीजी दोनों लोग हैं, पूरा खाए एक साथ में। देखिए दोस्तों, एक तो वैसे इतना कोल्ड है, एक बार में कैसे खा सकते हैं इसको, जल्दी खाओ। कल मुझे फिर से मार्केट आना है और मुझे थोड़ा बैंक का काम है, बोल रहा है कि तुम बैंक पे जाओगे तो मुझे 1000 रुपये दोगी, फिर मैं तुम्हारा काम करूंगा, नहीं तो मैं नहीं ले जाऊंगा। आप दोस्तों अभी बैंक में आएंगी, पैसा निकालेंगी तो हमको कुछ बनता, आपको पैसा निकालने नहीं आऊंगा। हाँ, कुछ भी होगा तो 1000 रुपये मिल जाए दोस्तों तो मजा आ जाएगा, हमारे रिचार्ज का भी काम हो जाना है, इसलिए दोस्तों सोच रहे 1000 रुपये कल हमको मिलेगा तब हम आपको दोबारा इस ब्लॉक में कल ही रिचार्ज हो गया इसका। दोस्तों दिमाग खराब किया, और रुकिए इधर बहुत अंधेरा आ रहा है, और घर पहुँच के बात करते हैं फिर।